हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी मोन। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी का एक नया नाश्ता जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्प है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत जल्दी बन जाता है आसान तरीके से। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक कप रवा या सूजी और इसे मीडियम फ्लेम पर हम बिना तेल के ही भूनेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता, और इसे हम कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक सकता है या जल सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब गोल्डन हो चुका है, तो ये परफेक्टली ये गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो क्योंकि हमने इसमें एक कप सूजी डाला है तो इसमें हम दो कप पानी डालेंगे। पानी डालते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे चलाते रहना है। तो ये देखिए, इसमें मैंने दो कप पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अब हम इसमें वेजीज डालेंगे। तो इसमें आप अपने मनपसंद के वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गाजर और प्याज डाला है। इसे हम बहुत ही बारीक छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और फिर इसे हम डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, ये देखिए, और इसे इसी तरह से हम चलाते रहेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है और ये बिल्कुल ही अभी ऑयल फ्री है। इसमें हम ऑयल का यूज़ करेंगे लेकिन बहुत ही कम। अभी के लिए हम इसे ऐसे चलाते रहेंगे, ये देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो आप इसमें अपने हिसाब से नमक डाल दीजिए। और नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे एक मसाला, ये ऑप्शनल है, ये है मैजिक मसाला। ये आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन डालने से ये जो टेस्ट को है वो और बढ़ा देता है, बहुत टेस्टी हो जाता है ये। तो इसमें मैंने डाला मैजिक मसाला, मैगी का, बहुत ही आसानी से आप कहीं भी मिल जाएगा आपको। डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ये देखिए। मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से स्टर करते रहेंगे, एक मिनट तक हम पका लेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे, और एक मिनट के बाद ये आपको इस तरह दिखेगा। तो बनाते बनाते अगर आपको ऐसे लगा कि ये बहुत सूख रहा है या पानी कम लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमें इसमें डालना है धनिया पत्ता और हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। ये डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे और फिर एक से दो मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है वो गाढ़ा नहीं हो जाता है। आप देखेंगे धीरे धीरे इसकी जो कंसिस्टेंसी वो गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे हमें लगातार इस तरह से चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं, जले नहीं। ये देखिए अभी इसका कंसिस्टेंसी जो है आप देख सकते हैं, ये बहुत पतली है, लेकिन इसे हमें जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए तब तक इसे चलाना है और पकाना है। आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए अभी गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक ये और थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। आप देखेंगे इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही परफेक्ट हो गया है। तो इतना ही गाढ़ा हमें इसे करना है। आप देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी का जब ये हो जाए तो हमें इसे गैस ऑफ कर देना है और इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो जो प्लेट है वो हम यहाँ पर फ्लैट लेंगे ताकि इसे अच्छे से हम इस तरह से स्प्रेड कर सके, और इसका जो सरफेस है इसे हमें अच्छे से स्मूथ कर देना है, इवन कर देना है। और इसे 10 से 15 मिनट आप रेफ्रिजरेट कर लीजिए या फिर आधे घंटे तक रख दीजिए बाहर। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद ये कम्प्लीटली सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसके इस तरह से पीसेस काट लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से किसी भी शेप के पीसेस काट सकते हैं, पर मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पीसेस काट रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से कट जा रहा है, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये इतने अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे इस तरह से हम काट लेंगे, ये देखिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे काट लिया। अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है, बिल्कुल भी प्लेट में नहीं चिपक रहा है, जबकि हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये बड़ा वाला पीस, ये देखिए कितना सुंदर से निकल जा रहा है, बहुत ही अच्छे से निकल रहा है, बिल्कुल सेट हो चुका है। तो इसी तरह से हमें इसके पीसेस बना लेने हैं। और यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं चार पीसेस ले लिए हैं। अब हम तैयार करेंगे इसका कोटिंग। तो कोटिंग के लिए हम लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। तो एक प्लेट में हम निकालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। इसके बाद हम लेंगे 1 पिंच सॉल्ट, 1 चुटकी नमक डाल दिया आप इसमें, और फिर इसे हम मिक्स करेंगे इस तरह से, और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला सा मिक्सचर तैयार करेंगे जिससे हम इसे कोट करेंगे। तो ये देखिए एक ही बार ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और फिर एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से मिला के हमें एक कोटिंग तैयार करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कोटिंग बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से एक पतली कंसिस्टेंसी का कोटिंग हमें तैयार करना है,
और फिर जो हमारे पीसेस थे स्क्वायर पीसेस उसे हम इसमें डिप करेंगे इस तरह से और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए ये कोट हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा कोट होगा, ये बिल्कुल पतला सा कोटिंग होगा। और ये देखिए तो यहाँ पे मैंने सभी पीसेस को कोट कर लिया है। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे, एकदम ज़रा सा तेल आप देख सकते हैं मैंने यूज़ किया है। और जैसे तेल गरम हो जाए इसके बाद हम इसमें पीसेस को डालेंगे कोट किए हुए पीसेस को, और इसमें हम इसमें थोड़े थोड़े इसको सेक लेंगे। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा, और जब एक साइड हो जाए तो फिर हम इसे पलट के दूसरी साइड को भी कर लेंगे। लगभग एक मिनट लगता है एक साइड को होने में, इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है, तो इसी कलर का हमें इसे करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा साइड भी अब हो चुका है, तो ये देखिए दूसरा साइड भी बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। ये देखिए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी है। तो इस सेम प्रोसेस को यूज़ करके हम और भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे और बना रही हूँ, यहाँ मैंने डाल दिया दो, और अब हम इसे दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही कम ऑयल का यूज़ हो रहा है, ये बिल्कुल भी डीप फ्राइड नहीं है, और ये खाने में उतना ही टेस्टी लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसा लगा ये रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे पलट दिया है, और ये भी अब बिल्कुल तैयार हो चुका है बनके, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं ये बनके बिल्कुल रेडी है, और अब मैं आपको इसे नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही डिलिशियस लग रहा है देख के, और अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से आराम से टूटता है, बिल्कुल भी पक चुका है, कम ऑयल है, ये बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।